हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वैसा ही एवी प्लेयर स्टेटस। तो दोस्तों, इस टाइप का स्टेटस बनाने के लिए आपको कौन कौन से सेटिंग करने हैं, किस तरीके से फोटो लगाना है, और यहाँ पर मैंने जो इस जीफ क्रिएट किया है वैसे ही अगर आपको अपने फोटो का भी जीफ क्रिएट करना है तो वो भी आप कैसे बनाएंगे, सारी बात मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में पास वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि दोस्तों ऐसे वीडियोज मेरे चैनल पर आते रहते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस टाइप का स्टेटस बनाने के लिए आपको अपने फोटो का एक ऐसा जिफ बनाना होगा, ठीक है। तो ये जिफ कैसे बनाना है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। तो दोस्तों, उस टाइप का जिफ बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन की जरूरत होगी। एप्लीकेशन का नाम क्या है? मेटो एप्लीकेशन का। दोस्तों, इस एप्लीकेशन का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप दोस्तों इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। इंस्टॉल करने के दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, और दोस्तों जैसे इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको एडिट में आ जाना है और यहाँ पर आपको अपना डेटा ऑन रखना है, ठीक है। और जो भी फोटो का आपको ये जीफ बनाना है वो फोटो अब यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको यही फोटो चाहिए तो इस फोटो का लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फोटो सिलेक्ट करने का दोस्तों यहाँ सबसे पहले जो फ्लो वाला ऑप्शन है उसमें आपको आ जाना है। आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इसके बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको जो पंख वाला इफेक्ट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस पर आप जैसे क्लिक कर लोगे तो ये यहाँ पर क्रिएट होने लगेगा। तो दोस्तों जैसे क्रिएट हो जाए उसके बाद दोस्तों यहाँ तो इसका जो म्यूज़िक है हमने यहाँ पर इसको ऑफ कर देना है, ठीक है। यहाँ पर म्यूज़िक वाले ऑप्शन पर जाए और यहाँ पर जो नॉन है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए तो ये म्यूज़िक ऑफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों राइट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, और जैसे ही 100% हो जाएगा यहाँ पर आपको सेव एज ए जिफ का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर सेव एज ए जिफ सिलेक्ट कर लेना है और ये जिफ आपके गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों जैसे ये सेव हो जाए आपको यहाँ से बाहर आ जाना है। आने के बाद दोस्तों अब आपको आ जाना है एवी प्लेयर में। एवी प्लेयर में आने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर मेरे टेम्पलेट की जरूरत होगी, तो इस टेम्पलेट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इसके पेंसिल वाले ऑप्शन पर आ जाना है। आने के बाद दोस्तों इसके दूसरे नंबर वाले इमेज में आना है, और फिर इसकी इमेज में जाना है, फिर इसके कस्टम इमेज में जाना है, और यहाँ पर पिक इमेज में जाके आपको यहाँ पर इसका जो नॉर्मल फोटो है, ठीक है, हमने जो जीप बनाया उसका जो नॉर्मल फोटो है वो नॉर्मल फोटो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो ये फोटो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आना है, ब्लर इफेक्ट है ऊपर वाली जो इमेज है, ठीक है, उस इमेज में आना है, फिर इसके जनरल में जाना है, इसकी पोजीशन में जाके दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे की जो लाइन है वो लाइन आपको 550 तक खींच लेनी है। तो हमारा जो फ्रेम जो था वो फ्रेम अब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे फिर से स्क्रॉल करना है, यहाँ पर कंपोजिशन वन में जो पहली इमेज है उसमें जाना है, इसके विजिबल में आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। तो इसका विजिबल जैसे ऑन करोगे तो ये एंजल लिखा हुआ यहाँ पर आ जाएगा, और फिर यहीं पर आपको यहाँ दूसरे वाले पार्टिकल्स में जाना है, फिर इसका विजिबल भी आपको ऑन कर लेना है, ठीक है। तो हमारे हर वाले पार्टिकल्स भी यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। और फिर अब हम यहाँ पर लगाना है हमारा जीफ, ठीक है। तो जीफ लगाने के लिए आपको क्या करना है, ऊपर आ जाना है। ऊपर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऑडियो प्रोवाइडर में चौथे नंबर की इमेज में आपको आ जाना है, ठीक है। चौथे इमेज में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर इसके कस्टम इमेज जाना है, फिर इसके पिक इमेज में जाना है, और यहाँ पर आपको हमने जो जीफ अभी क्रिएट किया है वो जीफ आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों इसके जनरल में जाइए, फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर दीजिए, और यहाँ पर आपको आ जाना है स्केल में, और इसका जो स्केल की जो पहली लाइन है वो लाइन आपको 350 तक खींच लेनी है। तो यहाँ पर ये हमारा जो टेम्पलेट है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों जैसे प्ले करोगे तो ये कंप्लीट हमारा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो भी गाने का आपको स्टेटस बना, वो गाना सिलेक्ट करने के बाद आपको इस वीडियो को कर लेना है एक्सपोर्ट। तो दोस्तों आई होप आपको आज का मेरा टेम्पलेट पसंद आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।